सिटी के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स हमारे सामने आ चुके हैं। 0.64 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल के आएगा। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं SR मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और इस वक्त मेरे पास आप चाबी जो देख रहे हैं, जी हां, इसी की चाबी है। ये है हीरो की सुपर स्प्लेंडर BS6 मॉडल और इसका जो है आज मैं माइलेज टेस्ट करने वाला हूं, तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये गाड़ी कितना माइलेज देती है। और हम इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत एक्यूरेट तरीके से करने वाले हैं, वो एक लीटर वाला नहीं करेंगे, पूरा एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि इंडियन रोड्स पर अगर हम इसको चलाते हैं तो ये कितना माइलेज आपको ऑफर देती है। पूरी असलियत आज आपके सामने इसकी आने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा और आपके लिए जो है काफी ज्यादा मैं इसको चलाऊंगा आज गाड़ी को और हम पता लगाएंगे कि आखिर ये कितना माइलेज दे रही है। तो ये इसकी कुछ चाबी देखने को हमें मिलती है और उसके बाद अभी हम बस इसको चलाना ही शुरू करते हैं। पेट्रोल इसका फुल कराएंगे, फुल कराने के बाद इसको हम चलाकर देखेंगे। इग्निशन ऑन कर लेते हैं तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पार्ट डिजिटल हमें देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से ये स्वाइप करती है इसकी नीडल, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफी अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आपको डिजिटल फ्यूल गॉज मिल जाता है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर मिल जाता है और इसमें जी हाँ ये माइलेज भी बताता है, जो कि अभी नहीं बता रहा क्योंकि गाड़ी बहुत कम चली हुई है। बिल्कुल ब्रांड न्यू व्हीकल है ये। हीरो की लाइट आपको लोगो देखने को मिल जाता है, इंजन लाइट मिल जाती है, तो फीचर्स जो है इसमें काफी अच्छे हैं। और ये साइड स्टैंड की भी लाइट मिल जाती है, अगर साइड स्टैंड लगा है तो ये गाड़ी गियर में स्टार्ट नहीं होगी, तो साइड स्टैंड कट ऑफ इसमें मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा सेफ्टी फीचर कंपनी ने दिया है कि कोई भी गलती से इसको स्टैंड पर ना चलाए। इंजन की मैं आपको इसकी आवाज सुना देता हूं, तो कुछ इस तरीके की इसके इंजन की आवाज है और ये अब एक सेल्फ में स्टार्ट होती है क्योंकि BS6 बाइक है, फ्यूल इंजेक्शन कंपनी ने दे दिया है। तो 125 सीसी का इसमें इंजन देखने को मिल जाता है और ये गाड़ी जो है ये मार्केट में 17 साल से है। 2005 में सुपर स्प्लेंडर को हीरो ने लॉन्च करा था, 125 सीसी इंजन इसमें हमें देखने को मिलता है, इसको लॉन्च करा था कंपनी ने और ये 17 साल इसको मार्केट में हो गए हैं और उस टाइम से ये आज तक अपनी बेहतरीन राइड क्वालिटी, अच्छा माइलेज और ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती है। यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि MRF कंपनी के टायर्स पर आते हैं और जी हाँ ये ट्यूबलेस टायर्स हैं, आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा इसमें आपको फायदा मिलता है। और उसके बाद इसके शॉकअप्स की बात करें तो रेयर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं, स्प्रिंग लोडेड शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। डिजाइन जो है ना कंपनी ने इसका बहुत सिंपल सोबर, बहुत डिसेंट सा डिजाइन कंपनी ने इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। यहां पर जो टैंक है 12 लीटर्स का हमें देखने को मिलता है, हैंडल बार कुछ इस तरीके से रेज्ड है और राइडिंग पॉस्चर के बारे में हम बात कर लेंगे। सीट का आप फोम देखिए, कितना सारा फोम कंपनी ने इसमें दिया हुआ है और सीट के फोम की क्वालिटी भी बहुत शानदार है। सीट इतनी वाइड है कि मेरे दो हाथ यहाँ आराम से आ जाएंगे, तो सीट जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी ने दिया। अभी मैं इसको चला रहा था बहुत देर से तो मुझे सीट कंफर्ट तो बहुत शानदार लगा इसका। कहने को तो ये बाइक एक 125 सीसी की डेली कम्यूटर बाइक है, लेकिन कंपनी ने इसमें फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें USB चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है जिसमें सीधे आप USB केबल अपने मोबाइल की लगाएंगे और उस मोबाइल को आसानी से इसमें चार्ज कर पाएंगे। और नीचे की तरफ चलते हैं तो एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कंपनी ने इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दिया है। जैसे आप खराब रोड्स पर ना रूरल एरियाज में, गांव खेड़े में भी जाते हैं तो इसको चलाने में जो है आपको कोई डर नहीं लगेगा कि नीचे से कोई चीज टकराएगी, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है कंपनी ने इसको बहुत ऊंचा लेवल पर बनाया हुआ है। तो चलिए बिना देर करें ना हम इसका माइलेज टेस्ट शुरू करते हैं और इसके पेट्रोल टैंक को फुल कराते हैं। हाँ, माइलेज टेस्ट जो है मैं इसका फुल टैंक टू फुल टैंक करने वाला हूं, एक लीटर डाल के हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पेट्रोल बच जाता है और माइलेज रीडिंग गलत आती है, तो इसमें हम फुल टैंक ऊपर तक करा लेंगे। फुल टैंक कराने के बाद ट्रिप रीसेट करेंगे, ट्रिप रीसेट करने के बाद जो है हम इसको चलाएंगे और उसके बाद वापस से इसमें फुल टैंक कराएंगे तो हमें पता चलेगा जितने किलोमीटर ये चली है उस पे कितना पेट्रोल इसमें जला है। तो हम फुल करा लेंगे तो उसके बाद भी फुल कराएंगे तो एग्जैक्ट रीडिंग हमें पता चल जाएगी, इस बाइक की असलियत हमारे सामने आ जाएगी कि आखिर इसका माइलेज कितना है, जो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा माइलेज स्प्लेंडर्स जो हैं देती हैं। तो चलिए सीधा अब हम ना पेट्रोल टैंक पर ही आपको मिलेंगे और वहीं पर मिलने के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इसमें हम फुल करा रहे हैं, फुल कराने के बाद इसको हम चलाना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर कितने किलोमीटर ये चल पा रही है। तो पेट्रोल पंप पर हम आ चुके हैं और इसके टैंक को हम पूरा ऊपर तक फुल करा लेंगे। अभी इसका जो फ्यूल गॉज है वो दिखा रहा है कि पेट्रोल फुल है, बट हम इसको एक्यूरेटली पूरा ऊपर तक फिल कराएंगे ताकि हमारा माइलेज जो है वो बहुत एक्यूरेट निकल के आए। चलिए हम पेट्रोल को फुल कराते हैं, इसमें फुल कर दीजिए, फुल ही है लगभग, बट इसको ऊपर तक कर देना पूरा। ठीक है, फुल हो गया। तो पेट्रोल हमने इसका फुल करा लिया है और इसके जो फ्यूल गॉज में एक बार कम दिख रहा था वो भी पूरा फुल हो गया है। इसकी ट्रिप मीटर को रीसेट करना है तो हम ये इसको ट्रिप को कर देंगे ज़ीरो और ट्रिप को हमने कर दिया है फिलहाल ज़ीरो। चलिए अब हम इसका जो है माइलेज टेस्ट करके देखेंगे, चलाएँगे पूरा इसको अच्छे से।
अब इसको मैं नॉर्मल स्पीड्स पर ही राइड करूंगा, थोड़ा बहुत हम सिटी ट्रैफिक में भी अभी जैसे चल रहे हैं इस टाइप के ट्रैफिक में भी इसको राइड करेंगे, जैसा कि डेली यूज में एक नॉर्मल राइडर इसको चलाता है। अब गाड़ी चलाते में हम गाड़ी के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ गाड़ी चलाता रहूंगा तो आप जो है वीडियो देख देख के बोर हो जाएंगे और आप माइलेज का ही इंतजार करते रहेंगे कि आखिर ये माइलेज दे कितना रही है। तो इस पर बैठते से मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी स्प्लेंडर पर वो ये कि इसका वेट काफ़ी लाइट है, 122 का इसका कर्व वेट है। और अगर आप सिटी में इसको चलाना चाहते हैं तो ये काफ़ी लाइट वेट है, मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत एफर्टलेसली ये गाड़ी चलती है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। और उस वजह से क्या होता है ना कि आपको थकान नहीं होगी डेली यूज़ में, अगर आप जैसे इसको चला रहे हैं बहुत देर तक, जैसे आप मार्केटिंग वाले हैं या कहीं भी आप दूर ट्रैवल कर रहे हैं इस गाड़ी से, तो आपको इसको थकान नहीं होगी चलाने से, ये इसमें अच्छी बात है। वेट की वजह से ये चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे से कंपनी अचीव कर पाई है। दूसरी चीज़ ये कि सीट इसकी बेहद कंफर्टेबल है, मतलब सीट को चाहे मैं हाथ लगा के देखूं चाहे उस पर बैठूं, सीट का कुशन भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा फोम कंपनी ने इसमें इसके सीट में दिया है। इंजन इसमें कंपनी ने 125 सीसी का दिया हुआ है, जो कि मैक्स पावर 10.7 पीएस की प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 10.6 न्यूटन मीटर्स का। ये इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, जी हाँ इसमें आपको 5 गियर देखने को मिलते हैं, इसमें जो है 4 गियर नहीं मिलते। तो ये अच्छी चीज़ है कि कंपनी ने इसमें एक गियर बढ़ा दिया है, और वो एक गियर जो बढ़ा है उसकी वजह से इसमें ये फायदा है कि ये आपको माइलेज ज़्यादा अच्छा देगी, क्योंकि आप इस पर कम आरपीएम पे ज़्यादा स्पीड में जो है इंजन को चला सकते हैं, ज़्यादा स्पीड में बाइक को चला सकते हैं कम इंजन स्पीड से। टायर्स भी इसमें हमें ट्यूबलेस देखने को मिल जाते हैं, तो अगर डेली रन में हम इसको चलाते हैं डेली यूज़ में, तो अगर जैसे ट्यूबलेस टायर डिफ्लेट भी हो जाता है, पंचर हो जाता है, तो ज़रा हमें जो है उसका पंचर आप आसानी से रिपेयर करा सकते हैं, उसको 10-15 मिनट का वो काम रहता है, लेकिन ट्यूब वाले टायर्स जो हैं वो काफ़ी हेजल क्रिएट करते हैं। 125 सीसी इंजन होने का फायदा आपको इसमें ये मिलता है कि ये काफ़ी पावरफुल इंजन है। हमारे भोपाल में क्या है, चढ़ान ढलान बहुत है, क्योंकि ये प्लेटू पर बेस्ड है, और उस वजह से क्या है कि चढ़ान पर कुछ कुछ गाड़ियाँ ऐसी रहती हैं जो वहाँ पर लोड नहीं लेती हैं, या फिर आप अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो आपको पावर की ना कमी महसूस होती है। बट इसमें जो है 125 सीसी का कंपनी ने पावरफुल इंजन दिया है, जिसमें आपको पावर की इसमें कोई कमी महसूस नहीं होगी, चाहे आप चढ़ान पर चला लें चाहे ढलान पर चला लें, कहीं पर भी आप इसको चलाएंगे, चाहे आप फैमिली को बिठा के चला लें, वाइफ बैठी है, लेडी बैठी है कोई भी, तो उनके साथ इसमें फायदा यह है कि पावर की कोई कमी महसूस नहीं होती है। हीरो मोटोकॉर्प की सभी मोटरसाइकिल्स में अब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें सेंसर्स जो है वो ईसीएम को बताते हैं कि कितने फ्यूल की इंजन को जरूरत है, तो उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजन में सप्लाई किया जाता है। तो ये फ्यूल इंजेक्टेड BS6 बाइक्स का जो है ना माइलेज पहले से ज्यादा बेहतर हो चुका है, और सबसे अच्छा इनमें फायदा यह है कि इनका पिकअप अच्छा हो गया है, क्योंकि जितने फ्यूल की इंजन को जरूरत है जिस वक्त पर उतना ही फ्यूल इंजन में दिया जाता है, तो जरूरत के मुताबिक जब चीज दी जाती है तो काम जो है बहुत अच्छे से एफिशिएंटली हो पाता है। जैसे कि अभी ना मैं 5th गियर पर हूं और मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा, तो अगर मैं फुल एक्सेलरेट भी करता हूं तो 5th गियर पर ये गाड़ी बगैर नॉकिंग करे, कोई झटके नहीं देगी, कोई नॉकिंग नहीं करेगी, और आसानी से जो है ऐसे अच्छे से स्पीड पकड़ लेगी। और इंजन को अगर मैं इससे परफॉर्मेंस राइडिंग भी करता हूं ना, ज्यादा स्पीड पर भी इसको चलाने की कोशिश करता हूं, तो उसमें ये फायदा आपको मिलेगा कि ये वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं देगी। अभी हम 80 की स्पीड पर आ चुके हैं और 4th गियर पर हैं, अभी भी इसमें एक गियर बचा हुआ है, तो अगर हम 90 तक इसको लेके जाते हैं तो देखिए 90 तक बिल्कुल आराम से ये गाड़ी चल रही है, तो स्पीड अच्छे से पकड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया पावर अच्छी है 125 सीसी इंजन होने की वजह से, और वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके जो शॉकअप की ट्यूनिंग कंपनी ने रखी है, अगर मैं आसान भाषा में बोलना चाहूं तो वो ये है कि शॉकअप को कंपनी ने बोल के रखा है कि पूरा आपको जो भी तकलीफ रोड पे से आ रही है वो आपको झेलनी है, राइडर तक कुछ भी नहीं जाना चाहिए। तो ये इसमें अच्छा फायदा कंपनी ने दिया है कि शॉकअप की सेटिंग इतनी अच्छी रखी है कि जैसे डेली यूज में अगर हम चलाते हैं इसको तो शॉकअप से हमें मतलब कमर की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, तो ऐसा नहीं इससे माइलेज जो है वो कम आने लगे। बट हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी चला लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि तेज़ चलाने से कितना माइलेज कम होता है, कितना माइलेज मिलता है, तो सारे तरीके से हम इसको ना चलाने की कोशिश करेंगे। मैं इस बाइक को रूरल एरियाज़ में भी लेकर आ गया हूँ ताकि पता चल जाए कि अगर यहाँ आप चलाते हैं तो कितना माइलेज मिल पाएगा। 29 किलोमीटर्स हमने इसको चला लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं वापस सिटी की तरफ, क्योंकि मुझे इसका माइलेज और ज़्यादा देर तक सिटी में चलाकर टेस्ट करना है। सिटी के अंदर हम एंटर हो चुके हैं और ट्रैफिक सिग्नल्स हमारे सामने आ चुके हैं, और ट्रैफिक सिग्नल से मुझे याद आती है एक और नई चीज़, एक और नया फीचर इस गाड़ी का, कि हीरो की ज्यादातर मोटरसाइकिल्स में हमें देखने को मिलता है, वो है i3s टेक्नोलॉजी। इस i3s का जो आपको बटन दिख रहा है, कोई इंजन किल स्विच नहीं है, ये ऑन और ऑफ का बटन है, और इस बटन से आप ये करते हैं कि i3s को अगर ऑन कर देते हैं तो उसमें आपको फायदा ये फ्यूल सेविंग हो जाएगी, आपका जो पेट्रोल है वो बच जाएगा। हालांकि अभी मैं बहुत देर से i3s को ऑफ करके ही चला रहा था। फ्यूल सेविंग ऐसे होती है इसमें कि जब आप सिग्नल पर जाते हैं तो आपको बार बार मोटरसाइकिल को चाबी से बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आप क्लच दबाते हैं खाली जो है आइडल सिचुएशन पे खड़ा रहता है, आइडल कंडीशन पे खड़ा रहता है, तो इंजन जो है वो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, और जैसे ही आपको स्टार्ट करनी है तो आपको फिर से सेल्फ मारने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्लच दबाएंगे और इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी इसमें फीचर टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं वो देखने को मिलती है हमें, जिससे हम पेट्रोल जो है बचा सकते हैं। और हम आ चुके हैं सिटी के अंदर। सिटी के अंदर जो है मुझे एक चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी लगी, अभी मैं 32.2 किलोमीटर्स हो गए मुझे इसको गाड़ी को कंटिन्यूसली राइड करते करते, और इसमें जो है मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। अभी तक मुझे कोई बैक में कोई तकलीफ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, आराम से मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ के इसको चला रहा हूँ। बहुत रिलैक्स्ड सा राइडिंग पॉस्चर है और बहुत अपराइट है, कमर सीधी रख के हम इसको चलाते हैं। इस बाइक में ऑटो सेल टेक्नोलॉजी भी हमें देखने को मिल जाती है, जिससे इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अगर आप हैवी या डेंस ट्रैफिक में इस मोटरसाइकिल को राइड करते हैं तो उसमें आपको बार बार फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे, बार बार क्लच यूज नहीं करना पड़ेगा, और बिना थ्रॉटल इनपुट दिए भी अगर आप इसका क्लच छोड़ देते हैं तो ये आसानी से जो है ट्रैफिक में चल जाती है, जो कि राइड क्वालिटी ओवरऑल इंप्रूव कर देता है, क्योंकि बार बार आपको क्लच और गियर्स का यूज नहीं करना पड़ता है। फिलहाल मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रैफिक में चलाना शुरू कर दिया, ट्रैफिक में चलाया तो गियर चेंजेस काफ़ी ज़्यादा करे, और गियर चेंज करने के बाद मुझे जो एक चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी लगी वो ये कि इसका जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी लाइट है और एफर्टलेस है, गियर शिफ्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे से स्मूथली हो रहे हैं, और गियर बॉक्स को लेकर मुझे इसमें कोई इशू नहीं लगा। ये जो आप लेक देख रहे हैं ये हमारे भोपाल का सबसे बड़ा लेक है, और भोपाल अगर आपको नहीं पता तो सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, और ये जो लेक है ये अपर लेक है भोपाल का, और इस लेक से, इतना बड़ा लेक है ये कि इस लेक से 40% भोपाल की पॉपुलेशन को पानी सप्लाई किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर। जी हाँ, तो अभी फिलहाल हम चल गए 39.9 किलोमीटर्स, जो कि अप्रॉक्स हम मान सकते हैं 40 किलोमीटर्स हम चलने हैं, 40 भी अभी ये हो गया 40, तो 40 किलोमीटर्स हम चल गए हैं। 1 लीटर पेट्रोल तो अभी भी नहीं चला होगा इसमें, तो अब हम चल रहे हैं वापस फ्यूल स्टेशन पर, जहां से हमने पहले फ्यूल भराया था उसी फ्यूल स्टेशन पर हम चलते हैं और इसमें जो है रिफिल करा के देखते हैं कि आखिर इसको सिटी में भी चला लिया है तो रिफिल करा के देख लेते हैं कि अब कितना माइलेज ये दे रही है। फुल कर दीजिए। कितने चल गया यार? है 44 किलोमीटर चला के ले आए अभी। एसी राउंड लगा के? हाँ, एवरेज नाप रहा है ना इसलिए, वो तो फुली दिख रहा है। लो यहाँ पर तो कितना ऊपर, उस टाइम ऊपर तक करा था ना अपन ने? हाँ, थोड़ा नीचे था, मतलब हल्का सा है ना, ऊपर ही है इसमें तो पेट्रोल ये इतना था, इतना डाला था अपन ने उस टाइम, इतना डाला था बस, है ना। हाँ। और अभी आया है 70 रुपये का पेट्रोल, जो कि 0.64 कितना है, 640 ml, है ना। तो अब हम एवरेज नाप लेते हैं, कैलकुलेटर में खोल लेता हूँ अपने फ़ोन का। 44.3 किलोमीटर्स हम चल गए हैं, 44.3, और पेट्रोल जो आया है इसमें आया है वो 0.64 या 0.63, तो 0.64 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल के आएगा 69.2 का। अब इस वक्त जो मैंने आपको माइलेज टेस्ट दिखाया है ये मेरे राइडिंग स्टाइल का माइलेज टेस्ट है। अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को सही तरीके से राइड नहीं करते हैं, या फिर आप हाफ क्लच पर राइड करते हैं, क्लच दबा के गाड़ी चलाते हैं, या आपकी मोटरसाइकिल सही से मेंटेन नहीं है, टायर प्रेशर सही नहीं है, तो आपकी मोटरसाइकिल हो सकता है कम माइलेज दे, और राइडिंग स्टाइल पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। अभी तो मैंने बीच बीच में इस मोटरसाइकिल से परफॉर्मेंस राइडिंग भी करी थी, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने हाई स्पीड्स भी टच करी थी, लेकिन अगर आप इसको कम स्पीड पर चलाते हैं और कम ट्रैफिक में चलाते हैं तो मेरे ख्याल से 70+ माइलेज तो आपको इससे आसानी से मिल जाना चाहिए। अगर आप एक 125 सीसी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लेना चाह रहे हैं, बाइक देखना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सुपर स्प्लेंडर एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो कि आपकी विश लिस्ट में जरूर होना चाहिए, क्योंकि माइलेज जो है इसका मुझे काफी अच्छा लग रहा है और कंफर्ट के लेवल से भी काफी अच्छी मोटरसाइकिल मुझे लग रही है, क्योंकि मैंने अभी इसको 42-45 किलोमीटर कंटिन्यूसली चलाया तो इसके कंफर्ट और राइड क्वालिटी और सबसे अच्छी बात माइलेज के मामले में मुझे काफी अच्छी लगी, और फ्यूल एफिशिएंट है और स्पेयर पार्ट्स भी ये सब सस्ते आते हैं, तो लो मेंटेनेंस मोटरसाइकिल है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपकी विश लिस्ट में हीरो सुपर स्प्लेंडर भी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।